सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के खेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड खेत। कबीर मरता मरता जगमुआ मर पी न जानिया कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। मुखे मरने का चाहो है मरो तो हर के द्वारा मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। अंबरांदे तारे कंब उठदे जदू वरका इतिहास दा खुलदा है उस थानु दुनिया पूजदी है उस थानु दुनिया पूजदी है जिथे खून शहीदां दा डुलदा है। प्यारे जी याद शहीदां दी प्यारे जी याद शहीदां दी प्यारे जी प्यारे जी याद शहीदां दी प्यारे जी याद शहीदां दी प्यारे जी सदा लगते रहेंगे मेले सदा लगते रहेंगे मेले सदा लगते रहेंगे सदा लगते रहेंगे मेले सदा लगते रहेंगे मेले सदा लगते रहेंगे लगते रहन के मेले सदा लगते रहन के मेले लगते रहेंगे मेले याद शहीदां लगते रहेंगे मेले याद शहीदां दी सदा लगते रहेंगे नाम रखो साधू रखो कहो गुरु गोविंद पौनन के जगत में नाम रखो साधू रखो कहो गुरु गोविंद
सब नानक जगत में ओ किन जपिया गुरु मंत्र। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र उच्ची सुची ते निगी गोदानंद मान रही गुरु रूप गुरुस्वारी सतसंग जीओ जिते आप जी माई भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ेओ आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारा तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र उच्ची सुची ते निघी गोद विच पुज के अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां नूं गुरु चरणां विच लगा के सफलिया करन दी खेचला जानी कृपालता कर रहे हो। उत्थे धन धन बाबा योरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन माता गुजर कौर जी, शहीदां दी रत भिजी धरती नूं नमस्कार करन वास्ते पुजे। कम किते नोटां ते वोटां नाल नहीं बनदियां। एक इतिहासकार लिखदा किसे कौम विच एक शहीद, किसे कौम ने दो शहीदां नूं जन्म दिता, किसे कौम जां मजहब दा धर्म दे विच तीन शहीद, चार शहीद जां सौ शहीद। पर बड़ी कमाल दी गल कहिंदा, कहिंदा दसवें पातशाह ने ऐसी कौम साजी जिहड़ी कौम ही शहीदां दी खालसा जी, जिहड़ी कौम ही शहीदां दी आ। मैं काल फरनान दा अंग्रेज लिखदा लंडन दी धरती ते जमिया पलिया। ये अंग्रेज लिखदा कहिंदा साढ़े ईसाइयां दे विच क्रिश्चन मत दे विच कहिंदा एक एक ईसा शहीद होया। असी अद्धी दुनिया ईसाइयां दी बना के रख दित्ती है। कहिंदा मूर्ख सिख, कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह ने इन्हां तों सारा सरबंस वार दित्ता। कहिंदा जे गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु ना लंडन इंग्लैंड दी धरती दे अवतार धारण करदा असी सारी दुनिया सिखां दी बना दिंदे। ये सिख तो आप ही सिख नहीं बन सके खालसा जी, ये सिख तो आप ही सिख नहीं बन सके। सिखी दी नहीं गुरु नानक दे समय रखी गई सी। गुरु किसन इहदे राह विच बड़े बड़े तूफान आए, इहदे राह दे विच बड़ियां बड़ियां नफरत दियां नेरियां आईयां, जुल्म दे तूफान आए, किते कौडे राक्ष दे तपदे कड़ाहे आए। इहदे राह विच भूमिए चोर वर्गे चोर, सज्जन ठग वर्गे ठग आए, कौडे राक्षस वर्गे राक्षस आए। इहदे राह दे विच किते लाहौर दियां तत्तियां तवियां भी आईयां खालसा जी। तत्ती तवी ते बैठ के किसे भौरे, मैं एक बेनती करदे हां, दास कई बारी कीर्तन च बेनती करदा हुंदा साडा विरसा कोई गंदे गाणियां तों शुरू नहीं हुंदा। एक बारी कह दे वाह, साडा विरसा साडे इतिहास की गल किते शराब दे ठेकियां तों शुरू नहीं हुंदी। नौजवानों वीरो ते बजुर्गो, साडे विरसे की गल भुक्कियां ते तंबाकू दियां दुकानां तों शुरू नहीं हुंदी। साडे विरसे की गल माफ करना ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸਨ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਥਿਹਾਸ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਥੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਿਥੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਚਮਕਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੰਕਾ ਸਾੜੀ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਹਾਥੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਉਹ ਹਾਥੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਕਿੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਥੀ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੌੜੇ ਰੀਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ, ਦੀਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਵਰਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੱਟ ਵੱਟ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਜੰਝੂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੋਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਕੀਆ ਪਿਆਣ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਣ। ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 'ਤੇ ਧਰਮ ਪਾਲ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਰਹੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਖੇਤ,
पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड़े कबू न छड़े खेत। आपां जे विचार करके वेखीए किसे दी कुल शराबियां दी, प्यो शराबी, दादा शराबी, परदादा शराबी, अगे पुत्र शराबी, पोतरा शराबी, किसे दा प्यो चोर, किसे दी कुल चोरां दी, प्यो चोर, दादा चोर, परदादा चोर, अगे पुत्र चोर, पोतरा चोर, किसे दी कुल डाकुआं दी, किसे दी कुल ठगां दी तुरी आउंदी आ, किसे दी कुल शराबियां दी तुरी आउंदी आ। ਉਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਹ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਮਾਹ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। दस के गए भाई साहब, ना कहूं मैं जब की, ना कहूं मैं तब की, बात करूं मैं अब की, अगर न होते गुरु गोबिंद सिंह सुनत होती, सुनत होती सब की। गुरु की संग पिता पर पूत नस्ल पर घोड़ा, बहुता नहीं थे, बहुता नहीं थे, थोड़ा थोड़ा, बहुता नहीं थे, थोड़ा थोड़ा। अरदास करया करो सच्चे पातशाह, वैसे तो जी औलाद गरीब होवे ना उहदा प्यो अमीर नहीं होंदा, एक बारी कह दो वैरू, अमीरां दे बच्चियां दे मां बाप अमीर, शाहूकारां दे बच्चियां दे मां बाप शाहूकार। माफ करना गरीबां दे बच्चियां दे बच्चे गरीब। आख्या करो की हो गया सी गरीब हाँ, एक बारी कह दो वैरू, आख्या करो की हो गया सी गरीब हाँ। साडे कोल चंगा खाण नूं नहीं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਘਰ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਦਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, साहब कमाल गुरु गोबिंद सिंह की औलाद। माफ करना गुरु की संगत दास अर्ज कर रहा है, कलगी धरती जिंदगी विच कोई समा सुखा दा आया ना, दुखियां दे दुख सुनदा रहा, उस अपना दुख सुनाया ना। पिता परपूत नसल पर घोड़ा, अपनी साढ़े चार साल की उम्र दे विच दरियाए गंगा दे विच कंगन सुटने, जो जी बच्चों दिन कंगन सुटते भी क्यों ना, जिदे बापू का जीवन यहोजा सी। सतगुर गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का पहला ना बाबा त्यागमल सी, तेग बहादुर ना कित्थे जाके होया। माफ करना बहुत घट संगतां नूं पता है, सतगुर गुरु हरगोबिंद जी महाराज जी का आखिरी जंग करतारपुर साहब का जंग सी। इस जंग दे विच त्यागमल जी भाव सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज अजे गुरता गुरगद्दी प्राप्त नहीं हुई, और तलवार वाही फड़ के दुश्मन के छक्के छड़ा के रख दिते। आप जी की बहादुरी ते खुश होके सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी ने आखिया सी, आखिया सी बेटा त्यागमल, तू त्यागमल नहीं, अज तू तू तेग बहादुर होवेगा। बहादुर कहते ने सूरमे नू, तेग कहते ने तलवार नू। माफ करना जरा तलवार दा धनी होवे, अज तू बेटा तू तेग बहादुर होवेगा। जिथू हजूर दा ना तेग बहादुर जी होया, चौजी प्रीतम दी 9 साल की उम्र, समा थोड़ा लाउणा, गल कुछ ज्यादा कहनी है। फतेहगढ़ की धरती तू मैनू पता नहीं खरे तुसी की मंग के जाना है, पर मैं तुहानू बेनती कर लगा, ओ पुत्रां वालियो मावो, ओ पुत्रां वालियो बजुर्गो, धियां वालियो मावो ते धियां वाले बजुर्गो, साहबजादियां दी सरदल ते सिर रख के ना ये मंग के जायो कि सच्चे बाबा जी साढ़े घर सिखी आ जाए, साढ़े घर सिखी आ जाए। तो जिथे सिखी आ गई उत्थे सब कुछ ही आ गया। कई बार दास कीर्तन च बेनती करता हुंदा, हिंदू मत दे वीर, दिवाली वाली रात नूं
वी बिलोंग टू हरियाणा, उत्थे ते इत्थे ते सरकमस्टांसां दा बड़ा फर्क हैगा। हिंदू मत दे लोग दिवाली वाली रात नूं लक्ष्मी पूजा करदे ने, दरवाजे खुले रखदे ने। उहनां दा ख्याल आ कि अज दे दिन जिहड़ी लक्ष्मी आ घर च चल के आउंदी आ, चल के ध्यान देना पवेगा, चल के आउंदी आ लक्ष्मी आउंदी जां नहीं आउंदी ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਾਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤਾਈਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚੰਮਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰੋਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਵੇ ਹੋਵਣ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਚੰਮਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਂਬਰਾਂ ਪਲੀਤਾਂ ਦਾ। ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਕੋਰਟਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ, ਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸਮ ਵਜੀਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਥੱਬਾ ਸੀਧਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਚੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਾਕਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਿੱਦੜ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਨ, ਮਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਆਵੇ, ਰਾਜ ਦੁਲਾਰ ਆਵੇ। ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਰੀ, ਬਣੀ ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮੋਰੀ, ਬਣੀ ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਮੋਰੀ। ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨਾਨਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨਿਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਦੀ ਉਮਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਚੱਕਦੇ ਨਾ, 2 ਤਲਵਾਰੀ ਵਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਫਕੀਰੀ ਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਡਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਛਣਕਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ।
एक दिन बाबा बुढ़ा जी ने आख्या बेनती की महाराज साहबजादा जदों तुहाडी गोदी च आंदा अज ते बच्चे जाते दाड़ी फड़नगे ते जां बच्चे प्यो की पग ढाउणगे जां मां की गोती खिच देणगे एक बारी कह दिओ वाहिगुरू जां वाल पुट्टणगे पिता परपूत नसल पर घोड़ा बहुता नहीं ते हाँ जी बहुता नहीं ते थोड़ा थोड़ा इत्थे कुछ लैण वास्ते आए हैं इत्थे छड्डण कुछ छड्डण वास्ते आए हैं जे छड्डण वास्ते आए हैं तो की छड्डण वास्ते आए हैं जे लैण वास्ते आए हैं तो की लैण वास्ते आए हैं जे छड्डण वास्ते आए हैं तो मन मत छड्डण वास्ते आए हैं और कोई नशे छड़ जाओ कोई मन मत छड़ जाओ तो जे ले जाना है जे लैण वास्ते आए हैं इतों गुरमत धारण करन वास्ते आए हैं गुरु की सिख्या लैण वास्ते आए हैं। कहते ने पातशाह के चरणों में बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की गरीब नवाज ए काका त्याग मल जो भी तुहाडी गोदी च आउंदा हजूर दियां दोनों कृपाना के खातरियां नूं फड़ के खेड़दा खिचदा खिचदा क्यों आ सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज मुस्कराए महाराज कहते बाबा जी गल दे विच भेद आ आख्या महाराज करो कृपा आख्या बाबा जी मेरा यह साहबजादा कह रहा है पिता जी तुसी जुल्म नूं रोकण वास्ते तुसी जालम दे जुल्म नूं रोकण वास्ते दो तलवारां धारण कीतियां ने मैं जालम दे जुल्म नूं रोकण वास्ते अपना सीस तलवार की भेट कर देंगा खालसा जी। कहते ने पातशाह की उम्र 9 साल की एक दिन नाल दे साथी बच्चिया नाल चौजी प्रीतम बाबा त्याग मल जी कहते ने चौज करते करते गुरु की संगत चौज करते करते कहते ने बच्चिया के नाल चौजी प्रीतम खेल रहे ने मौज विच एक मंगता आंदा बल्ले 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 मंगते ने बच्चों को आख्या काका कुछ खाने दो ढिड बिटे आ गरीब बंदा होना मंगता ने आख्या मंगत्या ने बच्चों ने आख्या बाबा बच्चा तू मंगी दा कि लई दा जे मंगना तो आ जा बच्चा तू मंगी दा कि कुछ बच्चों नू दई दा और पिंड जाके मंग ला पवित्र आत्मा और जिन्हें डुबे जाते हिंदुस्तान का बेड़ा बन्ने लाना सी सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी कहते बच्चों कहते की गल बेचारे गरीब का दिल तोड़ दिता बच्चों ने आख्या बाबा जी साडे कोल देने वास्ते भी की आ एक बड़ी बहुमुली चैनी सी जो साहबजादे के अवतार धारण करन समय किसी श्रद्धालु सिख ने सतगुरु गुरु हरगोबिंद समर्थ के चरणों में पेश की सी यह चैनी हीरिया लाला सुचे मोतियां नाल जड़त सी बड़ी बहुमुली चैनी सी माफ करना चैनी बाबा त्याग मल जी के गले विच हमेशा ही रहिंदी सी बाबा जी ने आख्या एवें तुसी विचारे का दिल ही तोड़ दिता उन्हें आख्या साढ़े को देने वास्ते की है तो पातशाह कहते बाबा गल सुन जा भिखारी कहते गल सुन जा गल गले भिखारी का अगे वधना तो गले की चैनी उतार के आख्या लै बाबा ए चैनी नू लै जा मेरी मां कहती सी बड़ी बहमुली है तेरिया कई पीढ़ियां तक तेरा कम चलता रहूगा माफ करना गुरु की संगत उत्ते नाल दे साथी बच्चों ने दौड़े जाना तो जाके माता जी ने कहना माता जी तुहाडे लाडले ने सोने की जंजीरी एक मंगता की झोली च पाती आ ते माता नानकी जी का कहना बेटा तू चंगा नहीं किया तेरे पिता नू पता लगूगा माफ करना तेन बहुत डांटूगा झिड़ तेरे पिता जी ने पता लगा तेन बहुत डांटणगे झिड़कणगे माफ करना माता ने बह तू फड़ के त्याग मल जी नू तो सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज के चरणों लैके गए आख्या वेखे ने अपने लाडले के काम वेखे ने अपने लाडले के काम गुरु की संगत गल्लां तां बचपन तों हुंदियां जा रही सन किसी ने पूछा सी नदी नू तेरा पानी बड़ा चमकदार है तेरा पानी चाननी रात वर्गा तेरा पानी चिट्टी चादर वर्गा तेरिया लहरां मन नू मोह लैंदियां ने तेरा पानी बड़ा शुद्ध है नदी ने आख्या बस इन्हें वेख के कहता तुहानू पता मैं किवें बनी हाँ
अरे दसवें पातशाह दियां रीसां करदे ने जब शीशा लैके अपना मतलब मूँह वेखण अपना मूँह वेखण नाल गुरु गोबिंद सिंह का जीवन पढ़न के कलगियां वाला किवें बनिया खालसा जी। एक बारी कह दो वाहगुरू, एक बारी फिर कहो वाहगुरू, कलगियां वाला किवें बनिया। नदी ने आख्या बस ये नहीं गल मैनू वेख के कहती, मैं करना की तेरा पानी बड़ा चमकदार आ, तेरा पानी झानी वर्गा, तेरा पानी चिट्टी चादर वर्गा, तेरा पानी बड़ी खूबसूरती है, लहरां मन नूं मोह लैंदियां ने। आख्या तेनू पता मैं किवें बनी आ। अजना ने हेमकुंड साहब के दर्शन किए ने गुरु घर के, किवें बर्फ जमी पई है पहाड़ियां ते। नदी ने आख्या उच्चे पर्वत दुराडियां घाटियां तू, उच्चे पर्वत दुराडियां घाटियां तू, जड़ियां कंकरां ढकियां रहिंदियां ने, ओ बर्फानी पहाड़ियां, वह पहाड़ियां जिहड़ियां बर्फ नाल ढकियां पईआं ने, ओ सिम सिम के बजिआ मुढ मेरा। वेखिआ ना बर्फ किवें पिंगल पिंगल के वहिंदी थले, सिम सिम के बजिआ मुढ मेरा। नदियां होर भी एक दो वहिंदियां ने, पर मैनू उन्हां दा कुछ भी पता नहीं, किधरों वहिंदियां किधरों ढहिंदियां ने। और सूलां जमदियां दे तिखे मुढ हुंदा, सूलां जमदियां दे, सूलां जमदियां दे तिखे मुढ हुंदा, किंकर उड उडारना पैंदियां ने। ओ बाजा वाला कदे पातशाह दा जीवन ते पढ़ के वेखी है, माफ करना किसे दा एक मरजा उमरां दे रोणे नहीं मुकदे। इत सारा सरबंस वार के वालिए दो जहान सब कमाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहते ने, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए, सुत चार चार मुहे तो क्या हुआ जो जीवत कई हजार, पिता परपूत नस्ल पर घोड़ा माता जी ने। बाबा त्यागमाल जी ने बाँह तू फड़ के आख्या चल तेन तेरे पिता को ले चलना। जदों मार दे चरणों से लैके गए सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज के चरणों से लैके गए, तो माता नानकी जी ने आख्या जी वेखे ने अपने बच्चे के कम, आ लाडले के कम वेखे ना तुसी। आख्या की हो गया? आख्या अपनी गले की जंजीरी उतार के एक मगता की झोली च पा आया। जंजीरी बड़ी बहुमुली सी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी महाराज मुस्कुरांदा बोले, कहंदा नानकी तू एक जंजीरी की गल कर दी कि मगता की झोली च पाया, तेरा ये लाडला दर ते आए मंगत्या की झोली च किस समय अपना सीस भी पा देगा। खालसा जी अपना सीस भी पा देगा। तू एक जंजीरी की गल की है, यहो जे पिता का अगे पुत्र कितने चाहता सी, जिन्ना हथा अमर का बाटा तैयार करना, और जिन्ना हथा खंडा खड़कावे ने, जिन्ना हथा तलवारा चलाउणियां ने जालम दे जुलम दे खिलाफ, उन्हां हत्थां दे उत्ते सोने दे कंगणां दीआं हथ कड़ियां क्यों वजण, कड़ा उतार के दरियाए गंगा विच सुटना। माफ करना जी, ते नाल दे साथियां ने माता गुजरी नूं आके बच्चिआं ने कहना, ओ तुहाडे गोबिंद राय ने जी, माफ करना तुहाडे गोबिंद राय ने जी, ओ माफ करना सजे हाथ का कंगन उतार के तो गंगा सुट दिता। माता जी सचमुच गोबिंद राय जी ने अपनी जान तो वध प्यार करते सन। टोबे लाए, आख्या गोबिंद राय पुत्र मैं पता लगा तू कंगन उतार के तो दरियाए गंगा सुट दिता, कहते तू फड़ लिया मोटे तू फड़ लिया, चल मैं टोबिया नहा लै चलती हाँ, कोई गल नहीं जो दरियाए गंगा दे विच कंगन सुटवा ही दिता ना ये टोबे कढ़ देणगे। माता जी ने कंधे तू फड़िया, तो गोबिंद राय जी सजे हाथ ना ना खब्बे हाथ का कंगन उतार देने पे। जब तू पुजे गंगा दे कंढे तो माता ने पूछा कितने क सटिया, दूजा मारिया चला के इतने क सटिया, इतने क सटिया इतने को। तो माता ने आख्या वे गोबिंद राय तेरिया शिकायतां भी बड़िया होंगे ने, कभी घड़े भनने, आख्या माता घड़े भनने जे, कई कहते हैं सप्प बड़ गया, सब वड़ गया जी। महाराज तू घड़िया की गल कर दी, अज तो मैं सिर भन्नने ने जालमा के करबूजे वगू, तू वेखता सही तू कहनी छोटे छोटे लामे, लामे दे तेरे घर बड़े बड़े आया करे, लोग आख्या करे फलाना जालम मर गया, अज फलाना भी मर गया, फलाना भी मर गया, खैर रहो विचार। पातशाह लक माता ने आख्या बेटा तू एक दिन सानू चाड़ के छेगा,
महाराज कहते माता तेरा बचन सत हो वे। गुरु नानक कृपा करे तेरा बचन सत हो वे। आख्या माता एक घर एक दिन उजड़ के ही रहना है, एक दिन उजड़ के रहना है। जब नवे घर बनाने हम पुराने पुराने ढाने ही पेंदे ने, पुराने ढाने पेंदे ने। एक घर एक दिन उजड़ के रहना है। फिर याद रखी एक दिन ऐसा वसूगा एनु ढाण वाले खत्म हो जाएंगे। मुड़ के ढहदा नहीं, मां माफ करना माता तेरा बचन सत हो गए। सब कमाल गुरु गोबिंद सिंह वो कलगी धर की जिंदगी विच कुछ समा सुखां दा आया ना। एदे राह विच लाहौर दियां तत्तियां तवियां आईयां, एदे राह विच दिल्ली दा चांदनी चौंक आया, आनंदपुर तख्त बुल 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 साडे वर्गे तो चार सुख कोल आ जाण ते आपां भुल जाने भी मेरे वर्गा तो कोई दुनिया तो है ही नहीं। वाली है दो जहान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर वर्गा जी का तख्त होवे। ओदा गुरु किड्डा क महान हो सी जिहदा सीस ते कलगी मारे चमकां, उस गुरु की किड्डी क शान हो सी। सिर कट्टण तो बाद भी रह लड़दा सिख जिहदा, ओदा गुरु किड्डा क बलवान हो सी। माफ करना आनंदपुर की धरती ते पाशे ते की करदे रहण, अज आप झाती मार के वेख लीए गुरदेव इतने की करते रहने। जे बाणी उच्चारण की तो पंजाब की धरती तो ठीक है, गलत एक बार कह दे वाहरू, एक बार फिर कह दौ वाहरू। साढ़े चार साल की उम्र सी पटना साहब बिहार के पैंदा है, गुरु साढ़े वास्ते सतगुरु पातशाह साढ़े वास्ते बिहार छड़ के पंजाब आ गए ने। पर असी सतगुरु पातशाह वास्ते सिख बनने अज तैयार नहीं। साढ़े चार साल की उम्र गोबिंद राय की जिमें बच्चे मां दे ना कमीज दे मां दे माफ करना गुरु की संगत मां जफा मार के ना कमीज खिच दे। साहब ज्यादा उतावला हो के पैंदा सी मेरे कहन तो भाव गोबिंद राय जी, एक बार कह दो वाहरू। उतावला हो के पैंदा सी, काला हो के पैंदा सी। माता गुजरी नूं साढ़े चार साल की उम्र चौधरी प्रीतम बाला प्रीतम गुरु गोबिंद राय जी पुछते सन, माता माता असी पंजाब कदों जाना। एक बार कह दो मां असी पंजाब कदों जाना। माता ने कहना देख बेटा अपना वतन माड़ा, तेरी जन्म धरती आ पटना साहब। माफ करना इत्थे दे लोकां दी शरदा वेख, माफ करना इन्हों की शरदा वेख बिहारियों की। तो पातशाह कहते सन मां मेरे कम बिहार के सिखा नहीं आना, मेरे कम पंजाब के सिखा ने आना। खालसा जी एडा माण बख्शिया, मेरे कम बिहार के सिखा नहीं, मेरे कम भी पंजाब के सिखा ने आना। गुरु की संगत माता ने जिद की, बेटा इतने की संगत की शरदा वेख अगे मसंद होंगे सन। बलकारी मल मसंद महाराज ने कोल सद्या, आख्या बलकारी मल इन्ने फुट लम्मी इन्ने फुट चौड़ी इन्ने फुट उची एक सोने की पालकी तैयार करो। उस पालकी बैठ के सैर कर चलिया जाया करांगे। उन्हें कह दिता जी सत बचन। कई दिन लगे पालकी तैयार होके आ गई। माफ करना तो जरूरी नहीं कि जड़ी चीज चमकती सोना, हर चीज चमकती सोना ही होवे। जदों पालकी तैयार होके आ गई माता जी कहते वेख्या लाल जी और किन्नी खूबसूरत पालकी वेख्या ना इत्थे तो लोगों की शरदा। तो महाराज कहते माता हुणे दस दिने किन्नी क शरदा। माफ करना दस दिने किन्नी क शरदा। महाराज ने मिट्टी दे तेल की मंगवाई गैलन और पालकी के उत्ते सुट दी तो अग ला दिती। माफ करना पौना किलो सोना निकलिया बाकी सब पित्तल। आख्या माता इत्थे दी सिखी मलम्मे दी सिखी है। साढ़े चार साल की उम्र विच तुहाडा सतगुरु तुहाडे वास्ते बिहार छड़ के पंजाब आ गया सी ते पंजाब दी धरती ते की कीता। जे बाणी उच्चारण की पंजाब दी धरती ते
जे अमृत बख्शिया पंजाब की धरती ते जे खालसा पंथ की सिरजना की पंजाब की धरती ते ते जे पहली बारी गुरु ग्रंथ समर का प्रकाश होया ते हाँ जी तुसी बोल दे क्यों नहीं जे जंग लड़े ते पंजाब की धरती ते माफ करना जे पुत्र बारे पंजाब की धरती ते जे सारे बख्शिया अपना सास सरबंस वार के पंजाब दी तो अमर दी मिली सी जिस तो उस धरती असी की कम कर कई बारी बेनती धरती देखिए ना इस धरती सिंह जेड़िया दवाइया मैडी जेड़िया दवाइया असी अपनिया फसल नू पाउंदे आं पाउंदे आं सब्जी उस खाद मध्य दुध ते गां दुध ते तुर गया ना खाद जे दवाइया कणक तुर गया सब्जियां दुध तो तुर गया खून है कि उस खून का असर दाणियां ते नहीं गया कि उस खून और सजनो तू पैदा साडा भला हो जाएगा अपने आप जिंदगी दे विच चार लड़ाइयां लड़ी किसे ते चढ़ाई नहीं कीती जो चढ़ के आउंदा सी जवाब दिता सी आखरी जंग कल जंग जी लख तुरक लख की गिनती की तुरक तुरक घेरा ऐसा सिख अमृत छक लो किस रख लो साडियां मजबूरियां ने कि सानू रोटी खाण नू नहीं मिलती अभी भुखे अभी करना भुखे पर इत महीने भुखा दे सारे सिख जाता भुख गुरु का संघ सुर में दसी तान छातिया
सुर में कुरांदे दूर में लड़ते थी अनशतिया जी इटू उके थी कुरांदे सेंग लड़ते थी अनशतिया इटू उके थी कुरांदे सेंग प्यारे लड़दे तान शादियां जी बाबा बाबा लड़दे तान शादियां लड़ते तान शादियां जी बाबा बाबा लड़ते तान शादियां लड़ते थी तान शादियां उके कुरांदे संग टूर में ओ लड़ते थी तान शादियां कर्म लिया ना जाए वड्डा ताता तेल ना तमाए केते मंगा जोद उपार केते आ गंतनी केते खप तुटे वेकार माफ करना केते आ दुख भूख सद मार एपी दात तेरी समा कुछ एहोदा बनिया सी तेरा वद्दा तुरिया जा रहा सी अरे छेद छेरा छे पोदू लेके अरे नौजवान तुरे फिरदे ना मैं वेहदा आ पूपने जे बजाउंदे अपने मना विच झातियां मारन छे पोह तू लाइक आ तेरा पोह तक लड़कां दे जिहड़े इधर उधर तुरे फिरदे ने माफ करना 20 तरीक 20 दसंबर तू लाइक के 26 दसंबर तक जां छे पोह तू 13 पोह तक दियां रातां इह सिख इतिहास विच कहर भरियां रातां ने जदों कलगीधर पातशाह दा सतां छे सतां दिनां च सब कुछ जांदा रहा खालसा जी आनंदपुर तक कोल ना रहा या ना तू प्यारे सिख ते या ना तू प्यारे पुत कोल ना रहे खालसा जी जरा ध्यान देना पवेगा आ झाती मार के देखो मौसम किहो जिहा बणिआ इन्हां दिनां दे विच सब तों ज्यादा ठंड भी इन्हां दिनां च पैंदी आ कदी वाह चलदी आ जीते खां ने जदों साहिबजादिआं नूं नीहां दे विच चिन्ह आख्या सी तुहानूं इहो जिहा तसीहा दित्ते जाणगे साहिबजादे नवाब खान शहीद करी मर के नहीं मरदे शहीद विच जिंदगी मरन तों बाद शुरू हुंदी आ ते साहिबजादियां ने आख्या माफ करना वजीदा खान लगा कहण मगरू कदा शुरू हुंदी आ ते आख्या साडी याद विच इत्थे मेले लग्या करनगे मैं कई वारी कीर्तन च दस बेनती करदा हुंदा इक वारी कह दिओ वाहिगुरू समां मैं थोड़ा लाउणा गला मेरा ठीक नहीं सी बाकी कल दर्शन करांगे दुनिया दी हर चीज पुरानी हो जांदी आ जवानी दे आउण नाल बचपन पुराना हो जांदा इक वारी कह दिओ वाहिगुरू
बुढ़ापे दे आउण नाल जवानी पुरानी हो जाती आ, मौत दे आउण नाल बुढ़ापे का कुछ भी नहीं रहिंदा। अज खरीदिया कपड़ा कल नूं पाया, समा के कपड़ा पुराना हो जाता, दरख्त पुराने हो जाते, बनाए घर कोठियां बाग बगीचे बंगले पुराने हो जाते। जदों तक दुनिया रहूगी जिमी आसमान रहूगा, माफ करना, जदों तक सृष्टियां रहनगियां, गुरु गोबिंद सिंह दी कुर्बानियां कदी पुरानियां नहीं होनियां। खालसा जी साहबजादियां दीयां शहीदियां, साहबजादियां दीयां शहीदियां कदे पुरानियां नहीं होनियां। इत्थे आख्या वजीदिया इत्थे मेले करनगे, इन्हें आख्या असीं भी कसम खाधी आ हिंदुस्तान दी धरती ते ना कोई हिंदू रहण देना ते ना सिख रहण देना। एक वारी कह दे वाह, फिर इत्थे मेले कौन आया करूगा? कहंदे ने पवन देवते ने गरज के आख्या, वाह पवन दे रोज पड़दे पवन गुरु पानी पिता, इन्हें आख्या तो मैं इन्नी शीतल वग्या करांगी, मैं साहबजादियां दी याद नूं याद कराया करांगी। तुंदरे आख्या मैं याद कराऊंगी, मेघ देवते ने आख्या मैं आकाश दे उत्ते छा के याद कराया करांगा, सूरज ने आख्या मैं कदे माफ करना धुंदे च आ जा करांगा, कदे बदलां च आ जा करांगा, मैं रो के याद कराया करांगा कि इस धरती ते अज दे दिन इत्थे आ साका वरतिया सी। माफ करना गुरु की संगत घेरा वधदा तुरिया जांदा सी, धन गुरु गोबिंद सिंह और कलगियां पा लिया तेरियां कुर्बानियां दा यह जग नहीं करजा तार सकदा। अंदर जिगर दी वार नहीं एक औखी, अंदरा चार नहीं तेरी तरह वार सकदा। गुरु की संगत सिख घेरा वधदा तुरिया जांदा सी, छे तू अठ महीने वल एक घेरा गुरु की संग वधिया, बड़ा बड़ा सिदकी सिख डोल गया। कहंदे ने रंगजेब ते भेजे बामण ते दूजे पासे काजी मलाने, काजी मलाने कुरान शरीफ लैके अंदर गए किले ते, ते बामण जी किते गायत्री फड़ी ते किते गऊ आटे दी गऊ माता बना के अंदर गए। और खालसा दी सिख गुरु साहब दी महिमा भुल गए सन, कहदे आनंदपुर दा छड के जाना कित्थे सी, ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦਲਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੋ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ। ਇਧਰ ਕਾਜ਼ੀ ਮਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਨੇ ਆ, 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੰਗਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। दूजे पासे गुरु किसंग पम्मे परोत ने आख्या जी लाइटां वाली देवी दी सौं खा के कहने, इस गऊ माता की सौं खा के कहने कि बादशाह रंगजेब ने सानू तुहाडे कोल भेजिया, 40 दिन लई किला खाली कर दिओ, उदू बाद माफ करना गुरु की संगत, यह किला तुहानू वापस कर दिता जाएगा। सतगुरु गुरु कलगी पातशाह ने आख्या पंडित जी काजियो मलाणियो, मैं रंगजेब दियां ना फिकी फिकियां गल्लां विच आउण वाला नहीं, असी किसे भी कीमत किला नहीं छड़ना। कहंदे ने सूरमे दी उदू तक है जदों तक जंग दे मैदान च छाती ठाक चढ़दा, जदों सूरमा जंग दे मैदान च पिठ दे के दौड़ जाए चला जाए, उहदी काणी कौड़ी कीमत नहीं रहिंदी। खालसा जी फुल दी कीमत उहने चिरा जिन्ने चिर दरख्त दी टाणी नाल जुड़िया रहिंदा, डाली नाल जुड़िया रहिंदा। जदों फल दरख्त की टाणी जां डाली नूं टुट जांदा बेकदरा हो जांदा, उन दुनिया दे लोकी पैरां दे थल्ले मसल दिया करदे। गुरु किस सिख दी चढ़दी कला उहने चिर जिन्ने चिर गुरु साहिब दे चरणां नाल जुड़िया रहिंदा। खालसा जी जदों इह टुट जांदा पातशाह दे चरणां नालों, इहदी हालत भी गुरु किसंग दे टुट्टे फल टुट्टे फुल वाली जां पत्ते वाली माफ करना हो जाया करदी है। कीमत नहीं छड़ना च वंडिया जाना, एक पासे जो लगे कण महाराज जी जय, इन्हें सोचा महाराज किला छड़न का ना नहीं लेंदे, भुख दे दुले वर्गे घोड़े माफ करना, तो शादी हाथी वर्गे हाथी रब न प्यारे हो गए ने। एक
दिलों का टोला अगे अगे बढ़ के देना व्यूत बनाई जी महाराज तू छुट्टी मांगनी हूँ झाती मारो भी वह सिख तेरे छे छे महीने दियां भुखां दे मारे लड़ते रहे गुरु साहब ने उन्हां दी परवाह नहीं की असी नौ नौ वारी रोज रोटी खाने साडे गुरु साहब परवाह करनगे जे असी पाणी पाने दे धारनी ना बणीए एक दिलां बुझ दिलां दा टोला अगे वधिया जी पातशाह कहिंदे कहिंदे जी किवें आयो मां सिंह जी किवें आयो ना आख्या महाराज जी बेनती है कि पहली गल आ मौका नहीं आपां नूं लभणा सन कहिंदे ने परोत वर्गे तुहानूं कह रहे ने किला छड़ जाओ काजी मलाणे कह रहे ने पर जे किला छड़ जाईए तां चंगे रहांगे महाराज कहिंदे असीं तां किसे वी ते किला नहीं छड़ना ते माफ करना इन्हें आख्या जी महाराज तुसीं किला नहीं छड़ना फिर सानूं छुट्टी दिओ असीं किला छड़ना चाहुंदे हां बाजा वाले ने आख्या सब छुट्टियां ने सदा ही दरवाजा खोल माफ कर रहे सच्चे मुची तैयार हो गए बार कहने चंगा मां सिया दे जाने पुत्रा जाते जाते दो अखर लेके दे जा कदे पढ़ के याद कर छड़िया करांगा खालसा जी एक ऐसा समा आया सी दूजे पासे दे सिख ओ जेड़े कहंदे जाना किथे आ दूजे पासे दे सिख कहंदे जाना किथे आ अभी जान वास्ते छुट्टी लैण वास्ते माफ करना गुरु की संगत गुरु साहब के चरण में थोड़े ऐसा हस हस के शहीदियां पावांगे कल हुंदियां सुंदियां नार अपनी फिर वल पराई दे तकीए ना बनी होवे तो गुर ज्ञान होवे गुरसिख होवे तो गुरु का ध्यान होवे साधु होवे ते आत्म ज्ञान होवे सब बरकतां ओदे विच हुंदियां ने सब बरकतां ओदे विच हुंदियां ने ते जड़ मर्द दी एक जुबान होवे जान करो कुर्बान बाजा वाले तू जान करो कुर्बान कलगियां वाले तू जान करो जिस प्यारे सुनने हो उस आगे मर चली है त्रिग जन संसार ताके पाते जीवना पंथ का तिना हिस्सों च वंडिया जाना एक और सन जवे लिख के सू तुर पूजे और सन माफ करना जिन्हें जान तली ते रखी सी जे तो प्रेम खेलन जाओ मैं नहीं कहा कि गोडे रख के तली ते आ जा ढिड रख के तली ते आ जा क्योंकि जो सिर वंडिया जाता पिछे कुछ भी नहीं रह जाता कोई कह दे मार्ग ने जे तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आपत मार्ग पैर धरी जै सिर दीजै काल ना कीजै बुलारे काफी बैठे ने मैं दूर ना जावा कल नू आप जी दे फिर दर्शन करांगे चमौर साहब तू सरहंद दी खूनी द्वार रायकोट तू मुक्तसर दा इलाका सजणो और गलती मैं जड़ी मर्जी कर लियो गुरु गोबिंद सिंह तू बेमुख ना होयो खालसा जी बाजा वाले तू बेमुख ना होयो सतगुरु पातशाह जिन्ना अपने सिख नू प्यार कर देना गुरु गोबिंद सिंह तो प्यार ही सिखा नू कीता एक बारी कह दे वाहिगुरू जे पुत्तां नू प्यार कीता पुत्तां तो सिख वार देंदे पर नहीं प्यार कीता सिखा नू ते सिखा नू पुत कुरबान करके आख्या सी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सत चार चार मुगे तो क्या हुआ जो जीवत कई हजार अगला प्रोग्राम मैनू पता कि बड़ा सुहावना प्रोग्राम है एक तो एक बुलारे बैठे ने उन्हें प्रोग्राम देना है आप जी सारिया ने लाह लेना है इन्ने शब्द प्रवान बुलाओ फतेह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह।